A very good morning to all. I am going to start our subject physics in class 10th chapter electricity. Today our topic is resistance. As you all know, the definition of resistance, its definition is it is the property of conductor which resists the flow of electric current through it. ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो रोकता है वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की क्या है, रेजिस्टेंस है उसका नेम, उस प्रॉपर्टी का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फ्रॉम ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ से आया था. ओम्स लॉ क्या था अपने पास, ओम्स लॉ बी इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, तो यहाँ से आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, वी ओवर आई. क्लियर. अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर. ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है बच्चे, ग्रीक लेटर ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, एक बार और बना के दिखा देती हूँ मैं आपको. ये साइन है ओम का. ठीक है, ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ohm 2 ohm 3 ohm so on. ठीक है, ये हो सकते हैं. ठीक है, और ओम का रेजिस्टेंस, ओम का साइन क्या होता है, ये 1 ohm 2 ohm 3 ohm कितना भी हो सकता है. ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना भी हो सकता है. मेटल का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम, तभी कंडक्टर हैं वो, गुड कंडक्टर हैं. जिस कंडक्टर और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चे, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगी करंट क्या होगा, उतना ज़्यादा कम होगा, तो वो इंसुलेटर होते हैं वो. ठीक है, जैसे वुड है, वुड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ही ज़्यादा होता है. ठीक है, इसलिए उसमें से करंट फ्लो नहीं करता. बट अगर हम बात करें मेटल्स की, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, कम होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है. क्लियर. अब हम डेफिनेशन लिखते हैं ओम्स की, 1 ohm की डेफिनेशन. 1 ohm की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम. इट इज़ द रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 ampere ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 volt. क्लियर. इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन 1 ampere ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 volt. इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं. मान लीजिए ये एक कंडक्टर है. ठीक है, इनके दो पॉइंट हैं और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो 1 volt का है. ए और बी, यहाँ इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, मैं ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ, वी ए बी. इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो 1 volt है. ठीक है, और करंट जो है इनके बीच में, जो करंट है आई, कितना फ्लो हो रहा है, 1 ampere. तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच का, इस कंडक्टर का, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो 1 ohm होगा. कैसे होगा, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है. जब ये 1 volt और ये 1 ampere है, तो क्या हो गया रेजिस्टेंस, जब इधर वाली साइड 1 है तो इधर वाली साइड भी 1 ही होएगी, और बट होएगी क्या, इसके ऐसा यूनिट होंगे ना, 1 ohm. क्लियर. ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इसकी डेफिनेशन. इट इज़ द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, कब, जब 1 ampere करंट फ्लो हो रहा हो और हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 volt. इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 volt हो, और उनके बीच में तो 1 ampere का ही होगा करंट भी, क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. अगर ये 1 volt है तो 1 ampere ही करंट फ्लो होगा, तब रेजिस्टेंस क्या होगा उस कंडक्टर का, क्या होगा, 1 ohm. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक में हम
फैक्टर्स पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, आप लोग इसकी डेफिनेशंस लर्न करके रखेंगे। ओम्स, वन ओम की डेफिनेशन आप क्लियर कर लर्न करके रखेंगे और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम रीड करेंगे द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।